और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आजमगढ़ की, जहां पर सपा विधायक ने हंगामा किया है। दरअसल आपको बता दें कि सपा विधायक नफीस अहमद ने आरोप लगाया है सपा सांसद की मौजूदगी में विधायक को बोलने से रोका गया। धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी में सपा विधायक को बोलने से रोका गया, मुसलमान हूं इसलिए बोलने नहीं दिया जा रहा, ये कहा गया है सपा विधायक नफीस अहमद की ओर से। सपा विधायक ने इसको लेकर जमकर हंगामा किया, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी में सपा विधायक का कहना है कि उन्हें बोलने नहीं दिया, आरोप है कि मुसलमान हूं इसलिए मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, ये शब्द है समाजवादी पार्टी से विधायक नफीस अहमद के, जिन्होंने जमकर हंगामा किया है, इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। तो समाजवादी पार्टी से विधायक का हंगामा साफ तौर पर देखने को मिला, जहां पर सपा विधायक नफीस अहमद ने आरोप लगाया है और आरोप भी बोलने न देने का आरोप लगाया गया है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद की मौजूदगी में विधायक को बोलने से रोका गया। उनका कहना है कि धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी में सपा विधायक को बोलने से रोका गया और उनका ये भी कहना है कि मुसलमान हूं इसलिए मुझे बोलने नहीं दिया गया, इसलिए मुझे बोलने से रोका गया। अब इसका वीडियो भी सामने आया है जो कि वायरल भी हो रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे बोलने नहीं दिया गया। तो ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यही वो वीडियो है जब सपा विधायक इस पूरे मामले को लेकर आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी में सपा विधायक को बोलने से रोका गया, उनका कहना है कि मुसलमानों का अपमान हो रहा है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से तीखे शब्दों में सपा विधायक इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं। मुसलमानों का अपमान होने की बात मुद्दा उनकी ओर से उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है उनकी ओर से कि सपा सांसद की मौजूदगी में आखिर विधायक को रोका गया है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो सुना आपने किस तरह से आक्रोशित हुए समाजवादी पार्टी के विधायक, साफ तौर पर उनकी ओर से कहा गया कि मुसलमानों का अपमान हो रहा है और बोलने नहीं दिया, अल्पसंख्यक हूं बोलने नहीं देंगे, इनके पेट में दर्द हो रहा है, ये बोल हैं समाजवादी पार्टी से विधायक नफीस अहमद के। और वीडियो में साफ तौर पर हंगामा देखने को मिल रहा है, साफ तौर पर कहते हुए नफीस अहमद नजर आ रहे हैं। आजमगढ़ में संविधान मान स्तंभ कार्यक्रम में हंगामा हुआ, दरअसल ये आयोजन हुआ था, इस दौरान सपा विधायक नफीस को बोलने से रोका गया, ये बात सामने आ रही है। नफीस अहमद का वीडियो अब जो कि वायरल हुआ है, विधायक का कहना है कि उन्हें बोलने से रोका गया, बोले कि क्या अल्पसंख्यकों को बोलने नहीं दिया जाएगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ पूरा मामला रहा, क्योंकि देखिए जो वीडियो सामने आया साफ तौर पर नफीस अहमद उसमें बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मुसलमान हूं बोलने नहीं दिया जा रहा है, धर्मेंद्र यादव की भी मौजूदगी रही। मैं आपको बता दूं कि संविधान मान स्तंभ का कार्यक्रम था, जिसमें मुख्य अतिथि आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव को बनाया गया था और धर्मेंद्र यादव पहुंचते हैं तो ये जो सांसद है जनता के और कार्यकर्ताओं के बहुत ही प्रिय है, तो लोगों ने उनको सुनने का लोगों का मन था। और जैसे ही जब स्वागत भाषण में लोगों को बुलाया जाता है पहले, तो उसी क्रम में जब नफीस अहमद विधायक गोपालपुर आते हैं और माइक के पास, तो सामने बैठे कुछ कार्यकर्ता बोलते हैं कि आप हट जाए और हम अपने सांसद को सुनने के लिए आए हैं। इस पे थोड़ा सा नागवार गुजरता है विधायक जी को और वो बोलते हैं कि इस पे उन्होंने कुछ टिप्पणी कर दी, जिसको जिसका वीडियो
वायरल हो रहा है। ठीक है संदीप, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ मौलाना साहबुद्दीन भी जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मौलाना साहब, आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जो वीडियो सामने आया है उसमें सपा विधायक नफीस अहमद साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुसलमान हूं इसलिए बोलने नहीं दिया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को बोलने नहीं दिया जाएगा, क्या ये उनकी ओर से बड़ा सवाल उठाया गया है? अब इस मामले पर आप क्या कहेंगे? मुनीर नफीस साहब किसके लिए कह रहे हैं बोलने नहीं दिया जाए? क्या धर्मेंद्र यादव के मुकाबले में समाजवादी पार्टी के मंच से बोलने नहीं दिया जाएगा या उत्तर प्रदेश हुकूमत के संबंध में बोलने नहीं दिया जाएगा, पहले ये बताइए मुझे। देखिए उसमें जो वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है और ये भी बताया जा रहा है, अभी हमारे जो संवाददाता जानकारी दे रहे थे उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा था जिस तरह से सभी को बोलने का मौका दिया जा रहा था लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला है, तब उन्होंने ये आवाज उठाई है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया कि वो चूंकि वहाँ के जो सांसद हैं धर्मेंद्र यादव जी, तो उनकी सभा थी और उनकी सभा में नफीस अहमद साहब को नहीं बोलने दिया गया, तो ये बात उनकी नफीस साहब की बिल्कुल ठीक है। समाजवादी पार्टी में मुसलमानों की आवाज उठाना जुर्म है और खुद अखिलेश यादव को दाढ़ी कुर्ता टोपी पहनने वालों से नफरत होती है, उनको मुसलमानों का तो वोट चाहिए मगर मुसलमानों के मसाइल से कोई मतलब नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है और मुस्लिम लीडरशिप से भी उनको कोई मतलब कोई दिलचस्पी नहीं है। वो मजबूरन क्योंकि अब इस बात को मैं बराबर कह रहा हूँ मगर मुसलमानों ने बीजेपी को हराने की वजह से समाजवादी पार्टी को वोट दे दिया, खुशी में वोट नहीं दिया बल्कि मजबूरी में फैसला किया मुसलमानों का और इतनी सीटें निकल के आई, वरना लोकसभा के इलेक्शन में अगर इन्होंने कांग्रेस के साथ में अलायंस नहीं किया होता तो खुद अखिलेश यादव अपनी सीट हार जाते, ये पोजीशन थी। मगर समाजवादी पार्टी के मंच से खुद लोकसभा के इलेक्शन में आजमगढ़ में एक दाढ़ी टोपी वाले नेता थे, खुद उस सपा के पार्टी के थे, अखिलेश यादव ने उनको उतार दिया था। एक और बड़ी बात इन सब बातों के बीच में निकलकर सामने आई है जो नफीस साहब के ओर से बोली गई है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो मुसलमानों का हक है वो यादव खा रहे हैं, यादव ले रहे हैं उनका हक, इस पर क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल नफीस साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मैं उनकी बात की तायद कर रहा हूँ और समर्थन कर रहा हूँ। देखिए 25% मुसलमान है और पूरे उत्तर प्रदेश में 6-7% यादव है, तो ये 6-7% यादव की अगर वोट बैंक के तौर पर अगर देखें तो कोई भी एक सीट अपने आप में सक्षम नहीं है जीतने या जिताने में, बगैर मुसलमानों के सपोर्ट के ये कुछ नहीं कर सकते। 25% मुसलमानों के कंधे पे सवार होकर के मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया और इनको धर्मेंद्र यादव हो, अखिलेश यादव हो, डिम्पल हो, ये जितने भी यादव बिरादरी के लोग हैं इनको मुसलमानों ने अपने कंधे पे सवार करके इनको मेंबर पार्लियामेंट बनाया, विधायक बनाया, है क्या उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल बिल्कुल, इस पूरे मामले में तमाम सवाल उठ रहे हैं। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आपसे समझना चाहूंगी, समाजवादी पार्टी के ही विधायक, समाजवादी पार्टी के ही सांसद, लेकिन विधायक की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि अल्पसंख्यक हूं इसलिए बोलने नहीं दिया जा रहा है, यादव मुसलमानों का हक मार रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए जब जाति और मजहब की राजनीति की जाएगी तो परिणाम इसी प्रकार के आएंगे, जब क्षुद्र मानसिकता के साथ छोटे छोटे स्वार्थों के साथ राजनीति की जाएगी तो इसी प्रकार के परिणाम आएंगे। समाजवादी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है, समाजवादी पार्टी ने आज जाति और मजहब का एक समूह बना लिया है, तो इसी वजह से आज इस प्रकार की सिरपुटवल सामने दिखाई पड़ रही है। ये सिरपुटवल को रोकने के लिए अखिलेश यादव जी को प्रयास करना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव जी उदाहरण प्रस्तुत स्वयं नहीं कर पाए, जब वो चाचा भतीजे के भीतर स्वयं सिरपटवल करते रहे, जब सड़कों पर किस तरह का संग्राम परिवार के भीतर हुआ है ये सबने देखा है, तो जैसा नेता ने आचरण प्रस्तुत किया है उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके सांसद, उनके विधायक इसी प्रकार का आचरण प्रस्तुत करेंगे और इसीलिए समाजवादी पार्टी की कलह जो है आज वो सतह पर दिखाई दे रही है, ये स्थान स्थान पर यही होगा। अभी तो लोकसभा चुनाव में थोड़ी सी सीटें इनकी बढ़ी है। राकेश जी, क्या ये पीडीए पर भी एक बड़ा सवाल है? क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव हुए, पीडीए का राग अलापा और पीडीए के दम पर कहा गया कि एक बड़ी जीत समाजवादी पार्टी ने दर्ज की, तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी बनी, लेकिन कुछ ही महीने बीते हैं और ऐसे आरोप अल्पसंख्यक की ओर से लगना, तो क्या पीडीए पर भी अब बड़ा सवाल उठ रहा है?
देखिए, समाजवादी पार्टी में जिस तरह से मजहबी तुष्टीकरण लगातार किया जा रहा है, पिछले दिनों में हमने देखा कि अयोध्या के मोहित खान को लेकर के समाजवादी पार्टी डिफेंसिव हुई, लेकिन कन्नौज के धर्मराज सिंह यादव से पल्ला झाड़ने का प्रयास करने लगी। तो आज कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो यादव मतदाता है, जिनका यादव कार्यकर्ता है, वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, और इसलिए यादव मतदाता अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है पार्टी के भीतर, और यही संघर्ष हमें दिखाई पड़ा है आज आजमगढ़ में, जहां यादव और मुसलमान के बीच में झगड़ा हुआ है। ये यादव और मुस्लिम के बीच में जो मजहबी तुष्टीकरण को लेकर के अखिलेश यादव जी का जो लगातार रवैया रहा है, वो एक बड़ा कारण है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए।